हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्नीक पीक योगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया है इनसाइडर, उसमें हम फिल्म इंडस्ट्री की वो बातें जो आपको पता नहीं है, जो बैक ऑफ द कैमरा होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप टीवी पे ही देखते हैं, उनके बारे में आपको रूबरू कराते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम द कैनबिस डायरी के एक और मुख्य कलाकार श्री जय हर्षवर्धन धूल से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो स्वागत है आपका जय हर्षवर्धन जी हमारे शो में। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका फिल्मी सफर कैसा है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। योगी जी, मैंने जो शुरुआत करी थी इस इंडस्ट्री की वो एज ए मॉडल स्टार्ट करा। तो मैं चंडीगढ़ में, जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज कम्प्लीट किया, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत थिएटर और मॉडलिंग करता। उसके बाद फिर मैं 2015 में मुंबई शिफ्ट हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे ऑडिशंस वगैरह देखे, काफ़ी टीवी सीरियल्स वगैरह करे माइथोलॉजी के। तो अभी तक का सफर ये था। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने इतना काम किया है और आपको इतना एक्सपीरियंस भी है, तो एक एक्टर होने के नाते, एक एक्टर की एक हो रही थी कि वो स्क्रिप्ट को लेकर बड़ा चूज़ी होता है। कोई देखता है कि अच्छी स्क्रिप्ट हो तो उस पर काम करने का उसको मज़ा आता है और वो चाहता है कि मैं उसमें काम करूँ। तो आपने जो फिल्म द कैनबिस डायरी की, तो इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि जिससे आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए और ये कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? जो एक आर्टिस्ट होता है उसको पता होता है कि वो किस जोन में काम कर सकता है। आप हर एक फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो आर्टिस्ट को भी उस तरीके से पता होता है कि मेरे लिए कॉमेडी टाइमिंग्स वाले जो स्क्रिप्ट्स हैं, कॉमेडी वाली, वो बेटर है। थोड़ा सीरियस रोल वाला है वो बेटर है, थोड़ा फन लविंग है। हर एक अपना अपना करेक्टर है, तो हर एक आर्टिस्ट को पता होता है। तो मुझे शुरू से थोड़ा एक सैड वाले जो करेक्टर रहते हैं, गुस्से वाले जो होते हैं, वो काफ़ी पसंद थे। या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम, जो मेरी रीजनल लैंग्वेज है हरियाणवी, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें थोड़ा कॉमेडी फैक्टर वाला आता है, तो वो मुझे चाहिए था। तो स्टार्टिंग में जब सुजीत सर से मेरी बात हुई, उन्होंने इस मूवी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट है और आपके लिए मैंने ये वाला करेक्टर रखा है। तो मेरे करेक्टर का नाम इसमें रवि है, रवि गला। वो होता पुलिस वाला मगर रिश्वत खोर भी। तो उस तरीके का जब उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई कि ऐसा ऐसा है और टोन भी हरियाणवी में था, तो जब स्क्रिप्ट में हरियाणवी टोन वाली चीज़ आई ना, तो उससे कनेक्टिविटी बनी कि हाँ भाई मेरे को यह करना, तो फिर इस चीज़ का डिसीजन लिया गया। तो आप इस फिल्म के थोड़ा सा जब शूटिंग के दौरान क्या क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, आपको कैसा लगा, किस तरह और कहाँ कहाँ इसका शूट हुआ, थोड़ा वो भी दर्शकों को? इसका कुछ पार्ट हिमाचल में शूट हुआ था, कुछ पार्ट हरियाणा में हुआ, थोड़ा बहुत पार्ट बॉम्बे में भी शूट हुआ था। तो मेरा जो शेड्यूल था वो सिर्फ हिमाचल का जी। तो जब हम लोग हिमाचल गए तो वहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह का सीज़न था, तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी हाइट पे थे। चांचल वैली करके एक जगह है रोड में, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। शिमला से तकरीबन 5-6 घंटे का रास्ता वहाँ से। तो नई बारिश हो रही थी, पहाड़ पूरे हरे थे, वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें एक डर भी था कि कहीं लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, रास्ते में हम लोग फंस ना जाए। लेकिन जब हम लोकेशन पे पहुंचे, वहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत मस्ती में, क्योंकि हमारे सारे यार दोस्तों का ग्रुप था हमारा जो हम शूट करने गए थे, तो सब में एक वो बॉन्ड था कि हाँ भाई एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। टीम वर्क था, एक टीम वर्क बिल्कुल। तो एक हमारे बीच में बॉन्डिंग थी कि हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर पाते थे, तो हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बढ़िया स्पेंड हुआ था। फिर हम जिस लोकेशन पे हमने शूट किया वो काफ़ी हाइट पे, तो वहाँ पे बारिश वगैरह और टेम्परेचर काफ़ी लो था, तो थोड़ी बहुत ठंड का भी इशू था क्योंकि हम बारिश के सीजन में वैसे गए हुए थे वहाँ पे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब आई जब हम एक वहाँ पे गांव है रनौल, वहाँ शूट कर रहे थे और जिस जगह पे हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ पे लाइट ही नहीं आई 5-6 दिन से। 5-6 दिन तक? 5-6 दिन तक लाइट नहीं थी, हमारे जाने से पहले भी नहीं थी और बाद में। 5-6 दिन आप शूट नहीं किए? नहीं, शूट किया हम लोगों ने वहाँ पे। वहाँ से कुछ नीचे तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करने पर एक गाँव आता था, वहाँ तक लाइट थी। जिस जगह पे हम शूट करे थे उन लोगों के लिए भी वहाँ पे बहुत नया एक्सपीरियंस था कि कोई बाहर से आया हमारे यहाँ पे शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने अदरवाइज टीवी में ही देखी। तो उन लोगों ने हमें मतलब वहाँ पे हमारे फ़ोन वगैरह और ये सब कैमरे की बैटरीज वगैरह जो इक्विपमेंट थे वो चार्ज करने में हमारी हेल्प करी। साथ के साथ जब हम जाते थे तो वहाँ पे हमारे वो खाने पीने का भी प्रोग्राम कर देते थे, चाय के टाइम पे तो चाय पकौड़े। तो मौसम की वजह से हमें थोड़ी बहुत परेशानी आई थी, बट वहाँ के लोगों ने जो सपोर्ट किया तो फिर आप ये लगा लो ख़त्म होगी सारी चीज़ें। अगला सवाल मेरा है फिल्म के बजट को लेकर। जैसे लो बजट फिल्म होती है, तो लो बजट फिल्म के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा?
सर एक्चुअली बात क्या है कि मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं एक रिश्ता बना के काम करता हूँ, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनके साथ मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिश्ता बना हुआ है दोस्ती का। तो वहाँ बस ये होता है कि जब सुजीत सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जय ऐसे ऐसे करके एक प्रोजेक्ट और मैं उसको करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने तेरे लिए करेक्टर रखा हुआ है इस करेक्टर में, तो हम जितने भी यार दोस्त थे वो सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भाई ये वाला काम करना है। तो जब एक प्यारी दोस्ती एक रिश्ते का लिहाज आ जाता है तो वहाँ पर फिर पैसे की बात नहीं। एज एन एक्टर, एस्टेब्लिश एक्टर आप कब से काम कर रहे हो, तो एक नए डायरेक्टर के साथ काम करना थोड़ा सा लगता है ना, एक नए पुराने एक्टर को भी वो वैसा जस्टिस कर पाएंगे या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको पहले से विश्वास था? सर ये विश्वास इसलिए आया क्योंकि मैं सुजीत को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, ठीक है। तो उसमें जब आप साथ रहते हो पता होता है तो आपको पता लगता है कि इस बंदे के अंदर क्या है क्या नहीं है। और जब मुझे ये पता लगा कि लिखी भी इन्होंने और डायरेक्ट भी इन्होंने, तो जब राइटर और डायरेक्टर दोनों एक होते हैं तो उनके माइंड में एक विजन क्लियर रहता है, विजन क्लियर है कि मुझे क्या बनाना है। तो उनसे जब पहले मुलाकातें होती थी, जब उनको देखा तो उनकी जो लगन थी वो चीज़ें थी, तो उसकी वजह से हम ना कर ही नहीं पाए कि नया है लेकिन हमें पता है कि इसको कितना काम आता है क्या नहीं। जो जुनून है वही आपको आगे लेके जाता है, तो वो चीज़ उनमें सुजीत जी में दिखी तो मना हुआ नहीं सकता, किया नहीं जा सका, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो आपका जो फिल्म के साथ आपके को एक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए फिल्म के दौरान। को एक्टर हैं, दोस्त भी हैं, मनीष हैं, मनीष पिछला, मनीष पिछला के साथ भी मैंने पहले काफ़ी टाइम शूट किया, हमने तकरीबन साल डेढ़ साल तक लगा था शूट किया था हमने एक सीरियल। उसके अलावा सूरज है, सूरज का जो करेक्टर है वो एक ऐसा करेक्टर है जो मूवी में गूंगा है, और सूरज थोड़ा है भी मजाके टाइप का आदमी जो कॉमेडी वगैरह करता रहता है बीच में, तो कई बार वो अपने करेक्टर में इतना घुस जाता था कि हमें उसे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता था। एक हमारे शेखर जी हैं जिन्होंने पंडित का करेक्टर किया है, उनके साथ भी हमारा शूट का सारा वहीं पे हिमाचल वाले शेड्यूल में ही हुआ था। वो वहाँ के लोकलाइट भी थे, उनको सारी चीज़ें पता है, तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया कि ये पहाड़ पे ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, उन्होंने एक जगह भी हमें वहाँ पर विजिट करवाई। तो सभी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, तो अच्छे से वक्त किया था, सारे बेहतरीन कलाकार हैं, हर एक ने अपना जो पार्ट था उनका, जो उनको सुजीत ने बताया था कि भाई आपका ये करेक्टर, उसको बखूबी निभाया। तो जय जी, अभी ये फिल्म जो है बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है, लोग इसको देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हम भी आशा करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को पसंद करें, लाइक करें, और ऐसे ही दोबारा हम एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे अगली फिल्म को लेकर। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेंगे। और अगर कोई सुझाव चैनल के रिगार्डिंग है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।